सो है एवरीवन, दिस इज़ केडी कुणाल एंड दिस इज़ दी फॉक्सवैगन टाइगन। ये जो आपकी टाइगन है ना भाई, 1.0 लीटर वाला, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। फुल डिटेल वीडियो होने वाला है, एंड तक वॉच करें, सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसकी की फॉब की। तो वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट को रिलीज़ करने का बटन मिल जाता है, फ्लिप की मिल जाती है। बट आप ये मत सोचना इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, बट ये फॉक्सवैगन वाले ना आपको फ्लिप की ऑफ़र करते हैं, जबकि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दे देते हैं साथ ही साथ। एंड ये देखो बोनेट पे आपको ये डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, हल्का सा स्लोपी सा बोनेट आपको देखने को मिलेगा। एंड बात कर लें हेडलैम्प्स की, तो आपको प्रॉपर एलईडी में दिए जाते हैं भाई, प्रॉपर एलईडी में। एंड यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे DRL नीचे, एंड ये क्रोम इस जो लाइन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रोजेक्टर्स आपको ऑफ़र कर दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इनका थ्रू है, पर्सनली मैं आपको ओपिनियन दूँ तो। एंड सेंटर में आपको जो ग्रिल है उस पर क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, सेंटर में फॉक्सवैगन का लोगो देखने को मिल जाएगा आपको। एंड अगर बात कर लें गाड़ी के, यहाँ पे देख सकते हो आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं भाई, एंड ये क्रोम ट्रीटमेंट, जो लोअर ग्रिल है वो आपकी मैट ब्लैक ट्रीटमेंट में दी हुई है। एंड ये सराउंडिंग में आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाएगा ग्रिल पे। विड्थ गाड़ी की 1760 mm की मिल जाती है, एंड हाइट की मैं बात कर लूँ तो 1612 mm की गाड़ी में दे दी जाती है। विंडशील्ड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड वाइड लगती है गाड़ी। एंड ये देखो भाई साइड प्रोफाइल से तो ये गाड़ी के लुक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। लेंथ गाड़ी में 4221 मीटर की मतलब mm की मिल जाती है आपको। एंड ये फ्रंट आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है। एंड मैं टायर सेक्शन की बात करूँ तो करीब करीब आपको 17 इंचेस का जो है व्हील आपको फ्रंट देखने को मिल जाएगा, एंड रेयर भी सेम साइज़ का ही आपका रखा गया है। ORVMs की बात कर लें तो बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स भी आपको ORVMs पर देखने को मिल जाएंगे, एंड नीचे हल्का सा मैट ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ऊपर आपको सनरूफ एंड रूफ रेल सिल्वर कलर में देखने को मिलेंगे। पियानो ब्लैक कलर का आपको साकफिन एंटीना दिया जाता है गाड़ी में। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा डोर हैंडल्स पे, एंड हल्की सी क्रोम स्ट्रिप यहाँ पे भी देखने को आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा पिलर बी पे, एंड यहाँ पे भी सेम वही आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात कर लूँ तो वो करीब करीब आपकी 50 लीटर्स की गाड़ी में दे दी जाती है। एंड पेट्रोल वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हो जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। पीछे वाला आपको ड्रम ब्रेक मिलता है गाड़ी में, सेम साइज़ वही 205/55R17 का आपको टायर साइज देखने को मिल जाएगा। एंड पीछे आपको स्पॉयलर हल्का सा देखने को मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर्स, एंड यहाँ पे देख सकते हो हाई माउंट स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट एंड वाइपर की पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है फॉक्सवैगन का लोगो, एंड ये कनेक्टेड आपकी टेल लाइट रहने वाली है, फुल आपकी कनेक्टेड मिलती है ये लाइट देख सकते हो यहाँ पे, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है रात को जलती हुई। एंड ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट भी मतलब पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ दिया गया है। TSI की बेजिंग आपको मिल जाती है, सेंटर में टाइगन की बेजिंग देखने को मिल जाएगी, एंड लोगों के जस्ट नीचे कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को आपको मिल जाती है। लोअर बम्पर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर रिफ्लेक्टर एंड मैट ब्लैक ट्रीटमेंट में दिया हुआ है। क्रोम की स्ट्रिप भी देखने को मिल जाएगी आपको, एंड पार्किंग सेंसर्स जो हैं आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बटन ऑफर कर दिया जाता है। एंड ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, आपको 385 लीटर्स का जो है बूट स्पेस दे दिया जाता है विथ लगेज लैम्प, ये देख सकते हो। फर्स्ट एड किट भी आपको दी जाती है। एंड बात कर लें स्पेयर व्हील की, तो वो आपको स्टील लिम में मिलने वाला है यहाँ पे, ये इसकी पोजीशन रखी गई है। MRF टायर आपको ऑफर कर दिया जाता है, बीच में आपको टूल किट देखने को मिल जाती है। एंड ये जो आप सीट है ना आगे वाली आपके स्प्लिट के साथ आती है, मतलब 40-60 स्प्लिट ये हो जाती है सीट, तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप ज़्यादा बूट स्पेस बना सकते हो इन सीटों को फोल्ड करके, बाकी यहाँ से आप इजीली क्लोज कर सकते हो। अब भाई चलते हैं और बात कर लेते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, एंड गाड़ी का कर्व वेट जो रहने वाला है वो 1250 kg का कुछ आपको मिल जाता है। को ड्राइवर साइड मतलब को पैसेंजर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर कर दिया जाएगा। एंड ये है इसकी थीम, चाहे आपको बीच एंड ब्लैक कलर की थीम दी जाती है। यहाँ पे आपको पियानो ग्रेइश का पार्ट देखने को मिल जाएगा, एंड ये कुछ आपको सिल्वर ट्रीटमेंट में इंटीरियर के डोर हैंडल्स दिए हुए हैं। ये आपको यहाँ पे हैंडल एंड यहाँ पे लेदर में आपको सॉफ्टस्ट दिया जाता है, एंड देख सकते हो डुअल टोन कलर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट
एंड ये है भाई इसका शानदार इंटीरियर। जहाँ पे ग्लव बॉक्स की मैं बात करूँ तो कूल ग्लव बॉक्स मिलता है एंड काफ़ी ठीक साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स दिया जाता है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है गाड़ी में, देख सकते हो ये जो वाइट कलर में ग्लो हो रही है वो आपको, क्योंकि ये टॉप एंड वेरियंट है तो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टेक्स्चर टाइप कुछ डिज़ाइन एंड सीट आपकी स्लाइड कर सकते हो, ये को पैसेंजर साइड सीट। बाकी चलते हैं भाई इसके ड्राइवर साइड और बात कर लेते हैं सारे कुछ फीचर्स जो इस गाड़ी में आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाते हैं सारे ही वही थीम जो आपको वहाँ पे देखने को मिली थी को ड्राइवर साइड। यहाँ पे आपको ब्लैक प्लस बीच कलर में है इंटीरियर एंड यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORVMs के कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको लेदर में सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक का बटन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब इसमें जो बिल्ट क्वालिटी ना गाड़ी की एक नेक्स्ट लेवल वाली है एंड यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो है वो मिल जाती है आपको। एंड ये है आपका भाई ऑटोमेटिक वेरियंट, इसलिए आपको दो पेडल्स एंड एक आपको डेड पेडल देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, यहाँ से आप इंजन हुड ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स गाड़ी में आते हैं एंड यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं बैठ के बात कर लेता हूँ गाड़ी में क्या कुछ आपको स्पेस ऑफर कर दिया जाता है। तो देखो भाई गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्पेस ऑफर कर दिया जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है एंड डोर को क्लोज़ करते हैं तो भाई इसका जो इंटीरियर है आपको एक, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं ना प्रीमियम वाइब्स, वो ला के दे देगा। कोई भी आलतू फालतू का फ़ीचर नहीं मिलता गाड़ी में, सारे ही जो हैं काम के, मतलब एक प्रैक्टिकल फ़ीचर्स जो हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स रहने वाले हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल्स भी गाड़ी में मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपके वॉल्यूम वगैरह मतलब सारे कुछ जो हैं कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपका सिल्वर ट्रीटमेंट भी स्टेयरिंग व्हील पे, फ्लैट बॉटम आपका स्टेयरिंग व्हील आता है एंड एडजस्टमेंट आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी ये है इसका शानदार सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इसमें मैं बताता हूँ, देखो आपको ना गाड़ी में जो सेफ्टी मिलती है ना वो एक नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट का मैं साइज़ बताऊंगा आपको तो आपका करीब करीब 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिल जाएगा। 6 नंबर ऑफ़ स्पीकर्स गाड़ी में दिए जाते हैं एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। IRVM आपका ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के साथ आता है एंड ऊपर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सनरूफ के कंट्रोल्स एंड सारी की सारी लाइट्स जो हैं गाड़ी में LED मिलने वाली हैं। यहाँ पे एक मिरर जरूर से देखने को मिल जाएगा आपको एंड ये देखो भाई एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कार प्ले सारा को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिक गाड़ी में AC आता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड एंड इसमें ऑटो स्टार्ट का भी बटन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बीच में आपको 1000 लैम्प का जो है बटन देखने को मिल जाएगा। ये इसका ऑटोमेटिक वेरियंट है इसलिए आपको ये देख सकते हो गियर नॉब की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपकी रखी गई है। PRN सारी कुछ मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। वायरलेस चार्जिंग भी गाड़ी में दी जाती है यार, और क्या चाहिए। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है एंड ये सराउंडिंग में आपका क्रोम मतलब सिल्वर सी फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया है। और बात करूँ मैं आर्मरेस्ट की तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस आर्मरेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ये आर्मरेस्ट आपका स्लाइडेबल है, एक सेकंड में करता हूँ थोड़ा। ये देखो आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलता है भाई, मतलब कोई भी कंफर्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी मैं बात कर लूँ इसमें सेफ्टी वाइज तो देखो गाड़ी में ग्लोबल NCAP में 5-स्टार रेटिंग की गई है। 2 नंबर ऑफ एयर बैग्स गाड़ी में मिल जाते हैं एंड भाई चलते हैं पीछे और बात कर लेते हैं इसके सेकंड रो के कंफर्ट एंड स्पेस के बारे में। तो ये देखो भाई डोर आपको वही थीम के साथ जो है वो मिलने वाला है। पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है डोर पे एंड हैंडल आपको दे दिया जाता है। यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा रेड कलर का। यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर में पावर विंडो का कंट्रोल एंड ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार बिल्ट क्वालिटी के साथ आता है। एंड ये है भाई पीछे का कंफर्ट एंड स्पेस। जहाँ पे मैं बैठ के बात करूँ मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आप स्पेस चेक करना तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नी रूम मुझे मिला है। एंड अंदर ठाई सपोर्ट की मैं बात करूँ ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो आगे का इंटीरियर कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल वाइब्स जो हैं वो आ रही हैं एंड यहाँ पे AC के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे आपको AC वेंट्स जो हैं वो ऑफ़र कर दिए जाते हैं एंड ऊपर बात कर लूँ तो यहाँ पे सनरूफ और ये हैं भाई इसके LED लाइट्स पीछे भी दी जाती हैं। यहाँ पे सॉफ्ट फोल्ड के साथ हैंडल बार एडजस्टेबल सारे के सारे हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे कप होल्डर्स के साथ आर्मरेस्ट देखने को आपको गाड़ी में मिल जाएगा। तो गाड़ी मतलब पीछे आराम से आप 3 लोग आराम से बैठ सकते हो बिना किसी दिक्कत के एंड लॉन्ग जर्नीज में भी आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं वाली है।
तो ये काफ़ी बढ़िया है। बाकी मैं बात कर लूँ गाड़ी के टर्निंग रेडियस की, तो वो करीब करीब आपको 5.05 मीटर्स का मिल जाता है। अब चलते हैं भाई, इसकी मेन चीज़ जो है इसका पावरफुल इंजन, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो गाड़ी में आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है करीब करीब 114 BHP। एंड टॉर्क की बात करूँ तो आपको करीब करीब 178 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। तो मतलब गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं इंजन हुड ओपन करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड आपको, जरा सर को भाई ये खुल नहीं रहा है, एक सेकंड। तो ये देखो भाई, ये है इसका इंजन, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर है। एंड ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई, बट इंजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको करीब करीब 18.15 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। एंड गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है, करीब करीब 908 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज आपको मिल जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जो कि 6-speed मैनुअल के साथ, मतलब आप कह सकते हो इसको। एंड प्राइसिंग रेंज की मैं फाइनली ग्वालियर में बात कर लूँ इस वेरिएंट की, तो देखो स्टार्ट हो जाता है इसका बेस मॉडल करीब करीब 11.5 लाख से एक्स शोरूम। एंड ये इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर मैं प्राइस बताऊँ तो करीब करीब आपको 15.43 यानी कि 15.43 लाख का पड़ता है। सो फुल डिटेल वीडियो आज का आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएं। बाकी आपको व्हीकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर